जय हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट, दिस अंकित। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट यूपी से पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उनको अब एक नहीं दो फ्री टैबलेट ले सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम हैं और शर्तें भी हैं। उसे यदि आप फॉलो करेंगे तभी आपको दो टैबलेट और स्मार्टफोन मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि अभी आचार संहिता वगैरह भी लग चुकी है। आचार संहिता वगैरह लगने की वजह से क्या हुआ है कि कोई टैबलेट वगैरह नहीं बांटे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी अपडेट आ गई। एक टैबलेट तो आपको चुनाव बाद वगैरह हो सकता है मिल जाए, ठीक, लेकिन आपके आचार संहिता लगने के बावजूद भी एक दूसरे टैबलेट देने की बात हो रही है बीटीयूपी से। आज एक ऑफिशियल अपडेट निकल के आई है, तो आप लोग देखिए और अंत तक समझिए कि कैसे आपको दो टैबलेट मिल सकता है, आप जीत सकते हैं बड़े ही आसानी से। आप देख सकते हैं कि ठीक है, प्रावधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से यहाँ पे निकल के आ रही अपडेट। आप देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, प्रावधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर, और यह जो अपडेट है सभी राजकीय और अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के लिए है। साथ ही साथ इसमें देखिए प्राइवेट तो नाम नहीं दिया है, लेकिन अगर आप एक यू राइज पोर्टल है ना तो नाम आपको देखने को यहाँ पे मिल सक जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपडेट जो है वह 14 जनवरी 2022 की अपडेट रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है, गणतंत्र दिवस के गरिमाई अवसर को यू राइज पोर्टल पर प्रश्नोत्तरी यानी क्विज, विभागीय लोगों को डिजाइन, ठीक है, प्रतियोगिता एवं पोस्टर प्रस्तुतिकरण के आयोजन में प्रतिभागी संस्थाओं को पंजीकरण कराने के संबंध में यह चीज जारी की गई है नोटिस। देखिए क्या कहा जा रहा है आगे, यह अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक सुनिए। और साथ ही साथ ऐसे ही अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अपडेट आपको सबसे पहले वहीं मिलती है। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कृपया उपरोक्त विषय शासन के प्राप्त निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है कि गणतंत्र दिवस के ठीक है गरिमाई अवसर पर यू राइज पोर्टल पर क्विज, विभागीय लोगो डिजाइन प्रतियोगिता, साथ ही साथ पोस्टर प्रस्तुतिकरण, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का आयोजन किया गया जाना है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि विभागीय ठीक है प्रावधिक शिक्षा विभाग साइंस एवं टेक्नोलॉजी के संबंध में 20/1/2022 से 22/1/2022 के मध्य प्रतियोगिता कराई जाएगी। ठीक है, और इस प्रतियोगिता संबंधी अन्य विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु पोर्टल नियमित अवलोकन करते रहे, कहने का मतलब यू राइज पोर्टल अपना रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन वगैरह करके चेक करते रहिएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है कि प्रतियोगिता के परिणाम 25/1/2022 को घोषित कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है यू राइज पोर्टल पर पंजीकृत छात्र ही प्रतियोगिता के पात्र होंगे, साथ ही साथ प्रतियोगिता में सफल छात्रों के पुरस्कार के रूप में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे। देखिए यही अपडेट थी, ऐसे ही आपको दो मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आगे हम देखें, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि छात्रों को प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करके अधिकतम छात्र छात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। आपके जो भौतिक निदेशक हैं मनोज कुमार, इनका सिग्नेचर वगैरह, बाकी आज की अपडेट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए कैसे आपको दो टैबलेट मिला, देखिए बात को समझिए। अभी काफी सभी लोग को तो टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिले हैं, लेकिन जो स्टूडेंट को मिल चुका है वह भी एक दूसरा टैबलेट प्राप्त कर सकता है। पहला तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो मिल रहा है सबको जैसे तैसे, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से नहीं मिल रहा, रोक दिया गया है। लेकिन जिसको मिल गया है वह भी इसमें आवेदन करके एक और फ्री टैबलेट ले सकता है। ठीक है, तो आपके पास भैया चांस तो बहुत ही अच्छा है, आपके पास जो है चांस बहुत अच्छा है। और इसमें देखिए आपको पूछा क्या जाएगा, यहाँ देखिए बीच में है प्रावधिक शिक्षा विभाग क्या कहेगा, साइन यहाँ पे देख सकते हैं कि इतिहास, करंट अफेयर तथा साथ ही साथ साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, यह तीन चीज़ें आपके पूछे जाएंगे, मतलब बेसिक चीज़ें जो दैनिक जीवन में चल रही हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा, जो नॉर्मल सा होता है, जो सबको पता हो। ठीक है, तो इसमें जरूर से जरूर भाग लीजिए, और आप लोग अगर चाहें तो दो टैबलेट प्राप्त कर सकते हैं, स्मार्टफोन भी प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो फाइनली यही रही अपडेट, आज से बीटीयूपी की आई थी तो हमने कहा एक वीडियो आनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग कहे भी थे। बाकी इस अपडेट के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विवेक सर का, जिन्होंने इस अपडेट को प्रोवाइड कराया। ठीक है, थैंक यू विवेक सर। तो चलिए आप लोग ये वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिए। अब मैं मिलता हूँ नए वीडियो में कुछ ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।